हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। नो डाउट आपकी स्टडीज भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। तो आज हम बात करेंगे आपसे जो हमारे बचे हुए प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में। हम बात कर रहे थे फेओल्स के प्रिंसिपल के बारे में। इससे पहले हम ट्रेलर के प्रिंसिपल खत्म कर चुके थे। 14 प्रिंसिपल ये हैं जिनको फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट कहा जाता है। जो टेलर साहब थे उनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। हमने थोड़ा हंसी मजाक में भी कहा था, जैसे हमारे दादाजी हमारे घर पे हमें कुछ आदर्श वचन या सिद्धांत बताते हैं कि बेटा इस आधार पे अगर जीवन जियोगे तो आसान हो जाएगा, ऐसे ही हमारे फ्योल साहब यानी कि दादा फ्योल साहब ने भी कुछ बातें बताई हैं कि अगर आप इन 14 प्रिंसिपल्स का फॉलो करोगे तो आपके बिजनेस में जो आपका मैनेजमेंट है वो बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त हो जाएगा। तो उसमें हम लास्ट में लो ऑफ इक्विटी खत्म कर चुके थे, स्प्रिट डिकोर्स तक हम खत्म कर चुके थे। तो आइए हम आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल पर, जो है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। यानी कि अब हम ऑर्डर तक पहुंच गए हैं, ठीक है। तो सर ये प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या बात करता है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। तो सर ये छोटी सी बात करता है, ये कहता है कि जी जो राइट मैन है उन्हीं को हम राइट जॉब पर रखें। सर क्या ऐसे नहीं कह सकते? सर जब आप अब से पहले हमने क्या किया था, आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था सबसे पहले प्रिंसिपल, जिसमें हमने क्या किया था, डिस्ट्रीब्यूशन या डिवीजन ऑफ वर्क। तो सर डिवीजन ऑफ वर्क में भी तो हमने ये थोड़ा सा ध्यान रखा था कि एक्सपीरियंस के आधार पर हम काम बांटेंगे। तो उसी को वो आगे बढ़ाते हुए कह रहा है कि एक्सपीरियंस के आधार पर काम बांटने के बाद ये अपने आप हो जाएगा, और नहीं हो तो भी आपको याद रखना है, एक्सपीरियंस आदमी को ये याद रखना है कि उसको जो राइट जॉब मिली है मैनेजमेंट ने ये मान के दी है कि वो उसके लिए बहुत सुटेबल और राइट आदमी है। इन द अदर वर्ड्स ऐसे कह सकते हो कि ऑर्डर देते टाइम हमें ये याद रखना है कि ऑर्डर देने वाला आदमी सही आदमी हो, ठीक, सही वर्क के कॉन्टेक्स्ट में हमने उसको अपॉइंट किया हो। तो सिंपल हमें याद रखना है राइट मैन राइट जॉब, और साथ में हमें ये भी याद रखना है राइट मटेरियल राइट प्लेस पे होना चाहिए। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आप याद रखोगे कि राइट मैन फॉर राइट जॉब एंड द मटेरियल एट अ राइट प्लेस। कहने का मतलब समझिए, देखिए आप अपने घर पे अपने कपड़ों को कहीं पे रखते होंगे, अपने बुक्स को कहीं पे रखते होंगे, अगर उनका प्लेस फिक्स है, अगर आप उनको आकर कहीं स्पेसिफिक जगह पे ही रखते हैं तो इसमें आपका टाइम बचेगा, इसमें आपकी हेडक कम होगी। अदरवाइज क्या होगा, आप डेली बहुत सारा टाइम तो इसी बात में ढूंढने में लगा दोगे कि यार हमारा सामान कहाँ रखा हुआ है। तो वो कह रहा है कि भैया फैक्ट्री में प्रोडक्शन होगा तो मटेरियल की जरूरत पड़ेगी या और चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो आप उनको किसी एक स्पेसिफिक प्लेस पर जमा कर रखें, यानी कि उनका प्लेस फिक्स होना चाहिए। देखो हमने क्या लिखा हुआ है यहां पर, एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं, देखना क्या लिखा है बेटा जी। इफ देयर इज अ फिक्स प्लेस, अगर कोई फिक्स प्लेस होगा फॉर एवरीथिंग, हर चीज के लिए, एंड इट इज प्रेजेंट देयर, और जो फिक्स प्लेस है वहां वो चीज अवेलेबल भी होगी। कहीं ऐसा ना हो जगह तो बना रखी है पर हम रखते नहीं है, तो उसका भी कोई फायदा नहीं होगा। तो देन देयर विल बी नो हिंड्रेंस इन द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। तो हिंड्रेंस इन द बिजनेस एक्टिविटी का मतलब कोई समस्या नहीं आएगी आपको उस मटेरियल को सर्च करने में और अपने बिजनेस ऑपरेशंस को खत्म करने में। तो दैट मींस राइट मैन फॉर राइट जॉब एंड मटेरियल एट फिक्स प्लेस, और साथ में इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हम राइट मटेरियल एट अ राइट प्लेस। तो ये बात आपको इस प्रिंसिपल के कॉन्टेक्स्ट में याद रखनी है, और कुछ बातें यहां लिखी हुई हैं जिनका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और स्क्रीनशॉट लेके इनको खत्म कर लेंगे मेरे बच्चों। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर एंड नेक्स्ट प्रिंसिपल इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है, अब हमें ये समझ लेना चाहिए। देखिए बेटा जी, कोई भी संस्था जिसमें आप काम कर रहे हैं एंड आपको ये डाउट है कि यार मैं इस साल तो काम कर रहा हूं, पता नहीं अगले साल मैं इस संस्था में रहूंगा या नहीं रहूंगा, कहीं ऐसा तो नहीं है ये मुझे किकआउट कर देंगे या कोई भी रीजन या ऐसा ये मुझे परेशान करेंगे मैं चला जाऊंगा। तो दैट मीन्स अगर आपको ये संदेह या डाउट रहता है कि हमारी संस्था हमें लॉन्ग ऑपरेशंस के लिए फॉलो करेगी या नहीं करेगी, या हमें लंबे टाइम के लिए रखेगी या नहीं रखेगी, अगर ये डाउट आपके दिमाग में आया तो निसंदेह आप उस संस्था के लिए ऐसे काम करेंगे बस कि अरे सैलरी दे रही है काम कर देते हैं, किस्सा खत्म, कल का कोई भरोसा नहीं, इन पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है, ये कल हमें निकाल देंगे, तो हम उतने डिवोटेड उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं रहेंगे। लेकिन एक संस्था जो अपने ऑर्गेनाइजेशन को नहीं निकालती है, उन पे पूरा ट्रस्ट बनाती है और उन्हें इस बात की अश्योरिटी देती है कि देखो भैया जी अगर आप हमारे रूल एंड रेगुलेशन यानी कि डिसिप्लिन में रहकर काम करेंगे तो हम आपको गारंटी देते हैं आप इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हमेशा रहेंगे।
तो अगर आपको ये गारंटी मिलेगी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर आपका होगा, तो कहोगे यार इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए यार हम जान दे देंगे, जो ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए इतना सोचती है कि नहीं यार इसको नहीं निकालेंगे, इसके बच्चे दिक्कत में आ जाएंगे। अनटिल एंड अनलेस आप डिसिप्लिन में होने चाहिए, अगर आप नहीं होंगे तो फिर निकालें। जैसे टाटा, टाटा ग्रुप का नाम आते ही दिमाग में एक देशभक्ति की भावना सी आ जाती है। तो ये सारी बातें क्यों बनी है, क्योंकि टाटा में एम्प्लॉयज की स्टेबिलिटी है। वो जानते हैं कि भैया एम्प्लॉयज को हमें ये बताना है कि हम तुम्हें नहीं निकालेंगे, हम तुम्हें रखेंगे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो जब उन्हें ये लगेगा कि मेरा स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर है, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत हार्ड वर्क करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे। इसलिए ही टाटा का एम्प्लॉय डिवोटेड है। इसका मतलब हमारे आदरणीय टाटा जी इस प्रिंसिपल को समझते हैं, उन्हें पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज किस तरीके से काम करेंगे। दादा फ्योल ने कुछ बताया था तो वो उसको पूरा फॉलो करते हैं, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। यानी कि अगर आपको अपनी अवधि पता होगी, टेन्योर का मतलब अगर हमें ये पता होगा कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं उसकी अवधि हमारी लंबी समय तक चलेगी आराम से, जब तक हम नहीं जाएंगे बेटरमेंट के लिए तब तक ऑर्गेनाइजेशन हमें कुछ नहीं बोलेगी। तो एम्प्लॉयज शुड नॉट बी शिफ्टेड फ्रॉम देयर पोजिशन फ्रिक्वेंटली। हम एम्प्लॉयज को उनकी पोजिशन से इतनी फ्रिक्वेंटली शिफ्ट नहीं करते हैं। द पीरियड ऑफ सर्विस शुड बी फिक्स्ड, उनका पीरियड ऑफ सर्विस फिक्स्ड होना चाहिए। इट टेक टाइम फ्रॉम एन एम्प्लॉय टू गेट यूज्ड टू हिज वर्क। अब वो लॉजिक दे रहा है, कह रहा देखो कोई एम्प्लॉय नया आएगा उसको सीखने में थोड़ा समय लगेगा। अब उतने समय के बाद वो सीखा, आपने उसको वहां से उठा के या तो किसी दूसरे प्लांट में अपने में शिफ्ट कर दिया या आपने उसको जॉब से ही शिफ्ट कर दिया, मतलब किक आउट कर दिया। तो ऐसी दशा में वो कभी भी एफिशिएंट नहीं बन पाएगा, वो कैसे काम करेगा। जब तक वो यूज्ड टू होता है तब तक उससे आप टाटा कर देते हैं तो दिक्कत हो जाएगी सर। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में वो बोल रहा है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर के बारे में। कुछ और बातें लिखी हुई हैं, आप इनको पढ़ लेंगे और इनको याद रखेंगे बेटा जी, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक बेटा। लास्ट में आप ये लाइन भी अंडरलाइन करके रखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर में। यहां से वो घुमा फिरा के केस स्टडी में इन शब्दों को या एमसीक्यू में यूज कर लेगा। एम्प्लॉय मस्ट पुट अवे पर्सनल इंटरेस्ट एंड पुट कंपनी ऑब्जेक्टिव फर्स्ट। एम्प्लॉय अपने निजी स्वार्थ को साइड में रखकर पहले कंपनी को दिमाग में रखेगा, यानी कि पहले मैं नहीं पहले कंपनी, उसको ऐसा बोलना पड़ेगा। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए जी अब आगे बात करते हैं इनिशिएटिव के बारे में, कि ये प्रिंसिपल जो है इनिशिएटिव ये क्या कहता है। चलिए जी अब बात करते हैं इनिशिएटिव के बारे में। तो इनिशिएटिव का मतलब सर बढ़ चढ़ के काम करना, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना और काम में अपनी हिस्सेदारी को समझना, अपना इनिशिएटिव लेना, अपना स्टेप लेना। तो ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज को ये फ्रीडम देना चाहिए कि भैया वो अपने इनिशिएटिव ले सके। क्यों, ये भी याद रखना है कि अगर एम्प्लॉयज इनिशिएटिव लेंगे, और एम्प्लॉयज को भी ये बात याद रखनी है कि अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनिशिएटिव लेंगे, स्टैंड करेंगे, यानी कि वो काम करने में प्रेफरेंस दिखाएंगे, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा होगा। और नो डाउट अगर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव होते हैं तो ये एम्प्लॉयज के लिए भी अच्छा ही होता है, क्योंकि बोनस वोनस बहुत सारी चीजें रिवॉर्ड में मिलती है। तो बोल रहा है इनिशिएटिव फ्रीडम टू थिंक, आपने बोला है कि एम्प्लॉयज इनिशिएटिव ले, तो सर जी एम्प्लॉय अपने इनिशिएटिव तभी तो लेंगे, अपना कदम तभी तो बढ़ाएंगे जब उन्हें ये आजादी हो। आपने उन्हें आजादी दे रखी है, यानी कि आप अपना इनिशिएटिव यानी कि अपना स्टेप ले सकते हैं, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि फ्रीडम टू थिंक हो, उन्हें सोचने की आजादी हो, और जो वो सोचे उस प्लान को उन्हें एग्जीक्यूट करने दिया जाए, ठीक है। सब्जेक्ट टू द कंडीशंस हैं कि इन्होंने क्या सोचा है, वो बहुत सारे लोग मिलकर आपस में टीम होगी एग्जीक्यूट कर लेगी, लेकिन उन्हें ये सोचने की आजादी हो, और अगर वो जो उन्होंने सोचा है वो इनिशिएटिव बहुत अच्छा है तो उसको एग्जीक्यूट करने दिया जाए। पॉलिटिक्स ना हो जाए, अरे यार इसने ये एग्जीक्यूट कर दिया प्लान तो ये तो बहुत अच्छा प्लान बनाया यार, फिर तो हम पीछे रह जाएंगे, ये तो हमें कभी आगे नहीं आने देगा, इसको खींचो यार, इसको पीछे खींचो यार, हम यहाँ 20 साल से काम कर रहे हैं, ये 2 साल में आके अच्छी अच्छी बातें बताकर अच्छे अच्छे इनिशिएटिव लेके यार ये हमें पछाड़ देगा, यार इसको रोको, इसकी टांग खींचो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो फिर दिक्कतें आ जाएंगी, इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव वहां फॉलो नहीं हो रहा होगा। आगे बोल रहा है पावरफुल मोटिवेटर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। एक पावरफुल मोटिवेटर जो होता है, जो उसका ह्यूमन बिहेवियर होता है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत मजबूत स्ट्रेंथ होती है। जैसे आपने बाहुबली मूवी देखी है, मूवी पे आ जाते हैं तो वो लास्ट में जब उनका व्यू वगैरह जो होता है त्रिशूल व्यू काइंड ऑफ, उसको जब वो तोड़ देते हैं, कमेंट करके बताएं कौन सा व्यू था, मैं भूल रहा हूँ शायद त्रिशूल व्यू था, तो जब वो त्रिशूल व्यू तोड़ देते हैं तो कटप्पा भी घुटने टेक देते हैं और बाकी सेना भी घुटने टेक देती है, लेकिन वहां पर एक आदमी आता है और वो एज अ मोटिवेटर कहता है कि अपनी अब मैं अपने देश के लिए अपने प्राण की आहुति लगा दूंगा और दुश्मन को मार भगाऊंगा, मेरे साथ आएगा कौन, ऐसे करके कुछ बोलता है।
तो वो बाद में बोलता है मेरे साथ आएगा कौन, अपने देश को बचाने के लिए, अपने महिष्मती की रक्षा करने के लिए हम अपने प्राण की आहुति देने में भी थोड़ी सी भी हिचकिचाट नहीं करेंगे, मैं इसके लिए तैयार हूं, मेरे साथ आएगा कौन। जब वो इस तरीके की बातें करता है दैट मींस वो एक इनिशिएटिव ले रहा है, मैं आगे जा रहा हूं, तुम मेरे पीछे रहो, पहले मैं मारूंगा फिर तुम मारना। ना ना मैं मूवी की बात कर रहा हूं, यहां एम्प्लॉय नहीं, एम्प्लॉय इनिशिएटिव ले रहे हैं और वो आ रहे चढ़ा के अपने हाथ बांधने का, कहां है बड़ा मैनेजर लिखा उसको बाहर भी ठीक करते हैं ना। इनिशिएटिव मतलब ऑर्गेनाइजेशन के फेवरेबल इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं, कुछ भी इनिशिएटिव की बात नहीं कर रहे कि लो जी ले लिया इनिशिएटिव, यानी प्रोडक्टिव इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के हित में हो। तो सर इनिशिएटिव एक बहुत पावरफुल एक मोटिवेटर होता है, वो आदमी जो इनिशिएटिव लेता है वो उसका नेचर एक पावरफुल मोटिवेटर की तरह होता है और ये जो होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ी स्ट्रेंथ होती है। फिर सारे आ जाते हैं हम आएंगे पीछे, हम आएंगे पीछे, और वो उस पगले से को जो रहता है वो पता नहीं क्या करता रहता है ना, वो रोचक सिखाता रहता है, वो उसको लपेट देते हैं ना बाद में। तो यानी कि उसका कहाँ काम आया, तो सर इनिशिएटिव किसी आदमी ने स्टेप लिया, डरो मत हम कर लेंगे मिलकर, कौन सी आफत आ रही है, तो आप ये याद रखेंगे। तो ऐसा आदमी या जो इनिशिएटिव लेता है वो इंक्रीजिंग इनिशिएटिव इज लाइकली टू मोटिवेट एम्प्लॉइज टू वर्क बेटर एंड हार्डर। जो इनिशिएटिव होता है, जो इंक्रीजिंग इनिशिएटिव होता है, वो इस तरीके का होता है जो एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है और वो अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक, जैसे मालिक आके कह रहा है, टॉप ऑफ द मैनेजमेंट का आदमी आके किसी एम्प्लॉय से कहता है यार तुम तो बहुत अच्छा काम कर सकते हो, मैंने तुम्हारा कल काम देखा। तो अगर आप उसको अप्रिशिएट करेंगे और जो वो इनिशिएटिव ले रहा है, नई नई चीजें ला रहा है, आप उनको एक्सेप्ट करेंगे तो उसका मोटिवेशन बढ़ेगा, उसको देख के बाकी लोगों का बढ़ेगा, यार इसका वर्क फ्लो एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम भी कुछ नया बताएंगे, हमारा भी एक्सेप्ट किया जाएगा। तो सोचने की आजादी होनी चाहिए। चलिए जी आगे बात करते हैं इनिशिएटिव के बारे में, कुछ और अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके इनको नोट डाउन कर लेंगे बेटा जी। चलिए आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल के बारे में, दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड। एंड यूनिटी ऑफ कमांड भी बहुत जबरदस्त बहुत बढ़िया प्रिंसिपल है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी बच्चे। चलिए जी बेटा जी अभी हमने बात करी थी थोड़ी देर पहले प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर में, यानी कि एक आदमी ऑर्डर देगा अपने सबोर्डिनेट्स को, है ना। तो साथ में यहाँ पर अब आ जाता है यूनिटी ऑफ कमांड, है ना। अभी प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर पढ़ के आए हैं, फिर अब हम किसकी बात कर रहे हैं, यूनिटी ऑफ कमांड की बात कर रहे हैं। तो मेरे बेटा ये जो यूनिटी ऑफ कमांड है ये क्या है, देखिए अगर कमांड का मतलब ये बात तो क्लियर है कि टॉप वर्ड का आदमी किसी लोअर वर्ड को, यानी कि ऐसे मैनेजमेंट की भाषा में सुपीरियर सबोर्डिनेट्स को कमांड पास करेगा, है ना। ऐसे समझ लीजिए कि मैं एक एम्प्लॉई हूँ और मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ और मुझे दो लोग जो मेरे से ऊपर वाले हैं वो दोनों एक ही लेवल के हैं, है ना, दोनों का लेवल एक ही है, दोनों एक ही पद और ओहदे पे हैं, लेकिन थोड़ा सा डेजिग्नेशन का फर्क है, लेकिन है टॉप लेवल के आदमी। एक कहता है ऐसे करो, दूसरा कहता है ऐसे करो। अब एम्प्लॉय हो गया कंफ्यूज कि यार दोनों कमांड दे रहे हैं, किसकी सुनूं, इसकी नहीं सुनूंगा ये तंग करेगा, इसकी नहीं सुनूंगा ये तंग करेगा। तो दादा फ्यूल कहते हैं देखो भैया ये नहीं होना चाहिए, जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में कमांड आए तो कमांड जो आएगी सुपीरियर से उसका डायरेक्शन फिक्स होना चाहिए और वो एक जगह से आनी चाहिए, यानी कि एक कमांड एक जगह से आनी चाहिए, सेम कमांड बहुत जगह से आएगी तो एम्प्लॉई को एग्जीक्यूट करने में दिक्कत आ जाएगी, उसका तो सैंडविच बन जाएगा। जनरली अगर आप देखेंगे अगर किसी संस्था में प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल हैं और डायरेक्टर्स जो स्कूल का मालिक है उससे दोनों के संबंध बढ़िया है, तो उस संस्था में मैंने ये देखा है महसूस किया है कि प्रिंसिपल की भी उतनी चलती है और वाइस प्रिंसिपल की भी उतनी ही चलती है। तो अब टीचर कंफ्यूज हो जाता है कि यार प्रिंसिपल की सुनूं तो वाइस प्रिंसिपल नाराज, वाइस प्रिंसिपल की सुनूं तो प्रिंसिपल नाराज। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दादा फ्यूल समझा रहे हैं भैया ऐसा नहीं होना चाहिए, बड़ी दिक्कत आ जाएगी। मैंने बहुत से टीचर्स को ऐसे कहता हुआ सुना है, तो उसी के आधार पर आपको बता रहा हूं कि कमांड एक तरफ से आनी चाहिए, एम्प्लॉई शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर, एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलने चाहिए। और आपको याद रखना इफ ही गेट्स ऑर्डर फ्रॉम मोर देन वन सुपीरियर, एक से ज्यादा लोग अगर ऑर्डर देंगे एक ही समय में एट द टाइम, देन भैया वो कंफ्यूज हो जाएगा किसकी बात मानूं या ना मानूं, किसको प्रेफरेंस दूं या ना दूं, तो दिक्कत में आ जाएगा, ये बात आपको याद रखे। चलिए चलिए जी आगे जो कुछ बातें लिखी हुई है उनको आप एक बार नोट डाउन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटिंग अगेन एंड अगेन अगर हम इनको अपनी ऑफलाइन क्लासेस में लिखाते हैं, बहुत सारे बच्चे 100 out of 100 मार्क्स लेके आते हैं। हम अब इस जर्नी में यूट्यूब की जर्नी में अभी स्टार्ट कर रहे हैं, हमारी एप्लीकेशन पे सारी पेड क्लास अवेलेबल है, सोबित स्मार्ट क्लासेस के नाम से हमारी एप्लीकेशन है, सॉरी स्मार्ट क्लासेस द लर्निंग ऐप के नाम से हमारी क्लासे हैं जो आपको ऑनलाइन मिलेंगी, ऑफलाइन हमारी सोबित स्मार्ट क्लासेस के नाम से हम ऑपरेट करते हैं। यूट्यूब पे हम थोड़ा यूनिक नाम ढूंढ के अकाउंट्स हवेली से चला रहे हैं ना, तो आपका जो सपोर्ट है वो अपेक्षित है। चलिए जी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, अब बात करते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के बारे में। अभी हमने बात करी थी यूनिटी ऑफ कमांड के बारे में, अब हम बात कर रहे हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के बारे में। चलिए जी बेटा जी अभी हमने बात की यूनिटी ऑफ कमांड के बारे में और अब आ गई यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की बात। बेटा एक बार ध्यान रखेंगे, ऑर्डर, यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इनको बहुत अच्छे से पढ़ के चलेंगे क्योंकि ये बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। एक तो ये वाला जो अभी पढ़ा था हमने यूनिटी ऑफ कमांड, इससे पहले हम एक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर पढ़ के आए हैं और एक ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इन तीनों को आपस में आप कंपेयर करके जरूर पढ़ेंगे। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन अब ये क्या कहता है, एक चीज समझिए, देखिए मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, कोई अकेला आदमी काम नहीं कर रहा, ग्रुप में लोग मिलकर काम कर रहे हैं और वो जो ग्रुप में लोग मिलकर काम कर रहे हैं उनकी डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा है। तो सर ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं उनका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है, इसमें क्या सोचने वाली बात है।
तो वो यही तो बात बोल रहा है कि बहुत सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं जिनको अपनी डायरेक्शन पर यानी कि अपने ऑब्जेक्टिव पर, जो कि एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है, वहां पर पहुंचना है। तो सर सारे मिलकर एक ही दिशा में एफर्ट्स करें, एक ही ग्रुप एक्टिविटी को जब वो एग्जीक्यूट करे तो सारे मिलकर यूनिटी में एक ही दिशा में वो एग्जीक्यूट हो, एक ही दिशा में वो एफर्ट्स लगाएं। ऐसा नहीं है, ऐसे समझ लो सर जैसे कि एक गाड़ी है, उस गाड़ी को हमें अपने एम पर लेके जाना है। मान लेते हैं वो एक्स पॉइंट पे खड़ी है और हमें वाई पॉइंट में जाना है। अब एक्स पॉइंट से वाई पॉइंट पे जाने के लिए गाड़ी हो गई खराब, तो उसमें चार लोग हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि भैया इसको धक्का मार के हम ले जाएंगे, ठीक है। तो चारों लोग उतरे, ऑब्वियसली अगर हमें यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यानी कि वाई पॉइंट पे जाना है तो चारों ने मिलकर डिसाइड किया वाई पॉइंट पे जाना है। तो वाई पॉइंट पे वो कॉमन ऑब्जेक्टिव है हमारा, वहां में पहुंचना है। मान लो वहां मिस्त्री की दुकान है, हमारी रिपेयर वाले की दुकान है, तो चारों ने मिलकर क्या किया सर, गाड़ी को धक्का लगाना शुरू किया और हम वाई पॉइंट पे पहुंच गए। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, चारों ने मिलकर यूनिटी में डायरेक्शन डिसाइड की, वहां तक चले गए। अब सर मान लो उस गाड़ी में दो धक्का आगे बोनट से लगा रहे हैं, ठीक है, दो धक्का पीछे से लगा रहे हैं, तो कहने का मतलब उनमें यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ही नहीं है। कुछ कह रहे हैं नहीं नहीं यार हम आगे मिस्त्री है उस पर नहीं जाएंगे, एक पीछे भी मिस्त्री है हम उस पर जाएंगे, तो उनकी डायरेक्शन ही क्लियर नहीं है, तो झगड़ा इसी बात पे चल रहा है। तो दो गाड़ी के पीछे से धक्का लगा रहे हैं, दो गाड़ी के आगे से धक्का लगा रहे हैं, रिजल्ट क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा सर, कोई आउटपुट ही नहीं मिलेगा। तो वो कहना चाह रहा है कि वो जो आपकी डायरेक्शन है, जिस रिजल्ट को आपको अचीव करना है, आपको यूनिटी के साथ, क्योंकि ये ग्रुप एक्टिविटी है, आप मिलकर काम कर रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखेंगे जब आप मिलकर काम कर रहे हैं तो मिलकर साथ साथ ही चलेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई है वो आप यहाँ पढ़ लेंगे, जैसे वन हेड एंड वन प्लान फॉर अ ग्रुप, है ना। एक ग्रुप के लिए एक मेन आदमी होना चाहिए और एक प्लान होना चाहिए ना। ये आपने एक प्लान दे दिया इस ग्रुप को कि भैया इस ग्रुप में 10 आदमी हैं, इनके लिए ये प्लान है और ये इनका हेड है। आप ऐसे समझ लो, देखिए इंडिया का टेस्ट टीम का कप्तान कोई और है, तो वो क्या है उनका, वो है उनका वन हेड, है ना। और उनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें वो सीरीज जीतनी है। तो भैया एक ग्रुप का एक ही प्लान है कि हमें ये सीरीज जीतनी है। सर मान लेते हैं कोई T20 है, उसका कैप्टन कोई और है, तो उसका वन हेड एक, यानी कि एक आदमी जो उन सभी लोगों को कमांड करेगा और सबकी डायरेक्शन किस तरफ है, प्लान क्या है कि हमें ये जीतना है, वो ये कहना चाह रहा है। अब अगर उनमें कोई आदमी, मान लो एक कोई वन हेड सेलेक्ट नहीं किया तो सारे कप्तान है, तो वो कहेगा तू यहाँ खड़ा हो जा, कह रहा तू कौन है भाई ये कहने वाला, भाई तो यहाँ खड़े होंगे, तो फिर वो दिक्कत आ जाएगी। तो इसी चीज को दिमाग में रखे दादा ने बोला है कि भैया आपको ये चीज ध्यान रखनी है। चलिए जी आगे बात करते हैं सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए सेंट्रलाइजेशन का मतलब है जहां पर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो एक ही जगह पर रहेगी, हायर मैनेजमेंट के पास रहेगी, केवल वो ही डिसीजन लेंगे। तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज रिटेन्ड बाई द हायर, अरे ना ना ऐसा ना हो भाई, इज रिटेन्ड बाई हायर मैनेजमेंट लेवल। तो वो कह रहा है कि जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो केवल एंड केवल हायर मैनेजमेंट ही रिटेन करेगा। जनरली एग्जिस्ट इन स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन, तो जो छोटी छोटी संस्थाएं हैं उनमें ये डिसीजन चलता है कि टॉप लेवल के आदमी ही कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि ज्यादा संख्या ही नहीं है लोगों की, तो सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग एक ही आदमी सबको डिसीजन ले लेगा, संभाल लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है सर, प्रोसेस ऑफ गिविंग अथॉरिटी, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अथॉरिटी दे देते हैं किसको, लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। उसका मतलब जब टॉप लेवल का आदमी अपनी डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी को, है ना, डेलीगेट कर देता है कि भैया लो लोअर वालों मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं हर मामले में इंटरफेयर कर सकूं या हर मामले को देख सकूं, ये पावर हम तुम्हें देते हैं, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको डिसीजन लेना है अपनी पावर के अंदर रह के, विद इन द पावर, है ना, आपको शक्तियों का इस्तेमाल करना है। आजकल इंस्टाग्राम पे मीम देख रहा हूं, या एक कोई मिल गया का मीम मैंने देखा था, मां मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हुआ है। तो सर जो आपको शक्तियां दी गई हैं डिसेंट्रलाइजेशन के केस में, आपको अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करना है ना। तो डिसेंट्रलाइजेशन में टॉप लेवल से लोअर लेवल पर हम क्या दे देते हैं, शक्तियां, तो हम शक्तियों का ट्रांसफर कर देते हैं ना, शक्तियों का ट्रांसफर या हस्तांतरण। तो जो हमने शक्तियों का ट्रांसफर किया है, आप विद इन द लिमिट, उसी लिमिट में रहकर टॉप लेवल ने लोअर लेवल को शक्तियां दी हैं, आप उन शक्तियों का इस्तेमाल उसी स्वरूप में करेंगे, कम या ज्यादा नहीं, ठीक है। अब सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में कुछ बातें लिखी हुई है बेटा जी, सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन में को आप डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ के चलेंगे, ये उस आधार पर भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। चलिए बेटा जी आगे बढ़ते हैं सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन से आगे, और ये शायद हमारी स्लाइड्स खत्म हो चुकी हैं, तो आपका मैक्सिमम टू द एक्सटेंट हमने खत्म करा दिया है। नेक्स्ट क्लास में किस तरीके की केस स्टडी यहां से आएंगी, वो केस स्टडी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप हमारे नोट्स या MCQ वगैरह के हम भेजते रहते हैं, उनसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप पे जाकर सर्च करेंगे शोभित स्मार्ट क्लासेस, वहां पर हमारा हमने एक चैनल बना रखा है व्हाट्सएप चैनल, जहां पर हम अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालते रहते हैं अकाउंट्स इकोनॉमिक बिजनेस स्टडीज के, तो आप उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए, आपको ये PDF इंपॉर्टेंट नोट्स वहां मिलते रहेंगे, केस स्टडी रिलेटेड क्वेश्चन हम वहां भेजते रहते हैं, ठीक है बेटा जी। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए देखते रहें पढ़ते रहें, क्योंकि पढ़ते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे।